सबसे पहले अगर मैं आप लोग को कहूं कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जी हां, यहां पे बिहार में बंपर भर्ती आ गई है। अगर आप भी बिहार में काम करना चाहती हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये देखिए मैं बोलता हूं ना, एक्चुअली में बिहार में इतना सैलरी नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे देखिये 20,000 15,000 हेल्पर का, 20,000 टेक्नीशियन का। इनफैक्ट दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो फॉर यू अगेन वॉचिंग नाउ स्टेप बाय स्टेप एंड आफ्टर देन टॉकिंग राइट नाउ फॉर दिस वैकेंसीज एंड So well, यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री रिक्वायरमेंट्स है और आपको पता है कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस हम रिकमेंडेशन नहीं करते अपने फाइंड जॉब्स वैकेंसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यहाँ पे देखिए किसी को कोई रुपए नहीं देने हैं काम के लिए, और अगर आप देते हो खुद से फाइनेंशियली डील करते हो तो हर प्रकार की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इसका जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। वैसे हम ये नहीं कहते कि हाँ भैया पैसा दो, हम जो है सो इन्फॉर्मेशन देते और उसमें मुझे पता होता है कि ये फ्री जॉब है उसी को हम शेयरिंग करते हैं। काम की जानकारी है, डिजिटल मीटर लगाना है। यहाँ पे आपको देखते होंगे कि सरकार की तरफ से अभी डिजिटल मीटर लग रहा है हर जगह पे, जो है सो डिजिटल मीटर लग रहा है, वो क्या बोलते हैं रिचार्जेबल मीटर लग रहा है, तो उसी मीटर को लगाना है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भैया हमको तो मीटर लगाने आता नहीं है, तो देखो सारा कुछ कंपनी बताएगी। इसमें हेल्पर की भी जरूरत है जो पहले से परफेक्टली काम कर चुके हैं, जो टेक्नीशियन है उसकी भी जरूरत है। टेक्नीशियन ही मीटर लगाएगा बिकॉज हेल्पर को रहना पड़ेगा वो क्या बोलते हैं होल वगैरह करने के लिए। टेक्नीशियन और हेल्पर दोनों की भर्ती आ गया है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होता है, जो कि एटलीस्ट हमेशा तो नहीं चलता, बट हाँ 5-6 महीने तक चलेगा, फिर उसके बाद में बंद पड़ जाएगा। जो भी है मैं बोलता हूँ, क्योंकि परमानेंट बेसिस नौकरी नहीं है ये। आप ये इंस्पेक्शन ना कर सकते हो कि भैया एक बार हाँ लग गया तो लाइफ सेटलमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जैसे आता है उसी प्रोजेक्ट पे काम होता है। यहाँ पे देखिए काम का समय है 9:00 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो तकरीबन आपका जो ड्यूटी बनता है वो बनता है तकरीबन आपका 8 घंटे का ड्यूटी बनता है। जी हाँ, और उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इसमें उम्र सीमा 40 साल तक के भी कैंडिडेट लेंगे, बट वो क्या बोलते हैं टेक्नीशियन होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास में, मेहनती इंसान होना चाहिए तब जाके चलेगा। यहाँ पे योग्यता में कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, चाहे आप टेक्नीशियन हो चाहे आप हेल्पर हो, 10वीं पास होना चाहिए। अगर टेक्नीशियन हो तो 10वीं पास हो, साथ में टेक्निकल सर्टिफिकेट हो तो बेहतर है, ठीक है ना जी। यहाँ पे देखिए सैलरी जो है हेल्पर का 15,000 रुपए है, टेक्नीशियन का 20,000 रुपए। ये दोनों सैलरी जो बताया हूं ये CTC सैलरी है, इन हैंड कट के 2-3 हजार कम ही आएगा, ये चीज आप अपने ध्यान में रखिए। तो टेक्नीशियन और हेल्पर का जो सैलरी है वो उसमें से 3,000 या फिर 3,500 रुपए कट के ही आएगा आपके वहां में पैसा, ये CTC बताया गया मेरे को। ज्वाइनिंग प्रोसेस है बिल्कुल फ्री में, आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। और डॉक्यूमेंट की जानकारी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, वैक्सीन सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र। दोस्तों नौकरी बिल्कुल फ्री है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, धन्यवाद। क्योंकि देखिए ये जो जॉब से एक ब्रिज स्टोन का है कि ये बिहार का प्रोजेक्ट है, ये दोनों एक ही रिक्रूटर की तरफ से मेरे पास में भेजे गए। जस्ट आई एम शेयरिंग फॉर यू एंड आप लोग ईमेल नहीं करना जानते तो यूट्यूब पर देखिए कि ईमेल किसी को कैसे करना है, उसको उसके बाद सीख जाते हो तो उसके बाद अपना रिज्यूम ईमेल जल्दी से कर दे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।